हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से दी गई मित्रा SIP के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मित्रा SIP क्या है, ये किस तरह से काम करती है और इसमें अगर आप एक SIP लेते हैं तो इसके क्या बेनिफिट हैं, किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव आप इससे पूरे कर सकते हैं। जो भी डेटा मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखा है, ये पूरे का पूरा डेटा SBI म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है और उसी के बेस पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो ये मित्रा SIP है, ये SIP और SWP का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर क्या है कि एक सर्टेन पीरियड तक आप एक सर्टेन अमाउंट SIP की मोड में जमा करते हैं और जब ये सर्टेन पीरियड पूरा हो जाता है तब आपका इन्वेस्टमेंट बंद हो जाता है और वहां से आपकी SWP शुरू हो जाती है। जो कैलकुलेशन इसके अंदर की गई है वो 12% रिटर्न और 8% SWP के बेस पे की गई है। जैसा हम जानते हैं म्यूचुअल फंड में एवरेज 15% का रिटर्न आ जाता है ऑन एवरेज। इन्होंने प्रिकॉशनरी 15% पे ना लेकर के 12% पे कैलकुलेट किया है और जो SWP लगाया है 8% का जो है लेस लगाया है कि 8% के रेट से हम आपको आपका पैसा वापस करेंगे, 12% आपका पैसा कमाई करेगा। तो 12-8 का कॉम्बिनेशन में ये SIP और SWP का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है, इसका नाम दिया है इन्होंने मित्रा SIP। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन कहता क्या है, इस कॉम्बिनेशन में इन्होंने क्या किया है, इस कॉम्बिनेशन में चार स्लैब हमारे सामने रखी है। चार स्लैब क्या है, 10,000 रुपए की एक एवरेज कैलकुलेशन से ये हमने किया है। 10,000 रुपए पे अगर आप 8 साल के लिए SIP लेते हैं तो 10,000 रुपए अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो 8 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा दैट इज 9,60,000, 9,60,000 रुपए आप जमा करेंगे। 10 साल के बाद आपके इस पैसे की जो वैल्यू होगी 12% के रेट से 15,99,000, लगभग 16 लाख रुपए होगी। अब इनका कमिटमेंट क्या है, कमिटमेंट ये है कि अगर आप 8 साल SIP रखते हैं तो हम आपको लाइफ लॉन्ग 10,000 रुपए देते रहेंगे। ये पैसा आपको देते रहेंगे, आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने जमा किया था 9,60,000 रुपए जिसकी वैल्यू 15,99,000 रुपए थी, उसका क्या होगा, तो वो पैसा आपका आपका सुरक्षित है SBI म्यूचुअल फंड के पास। देखिए आपको 10,000 रुपए महीना देने के बाद भी 25 साल के बाद आपके इस पैसे की वैल्यू कहाँ हो गई, 22,28,000। जो पैसा आपका 8 साल बाद 15,99,000 था वो पैसा बढ़ के कहाँ पहुंच गया 25 सालों में, 22,28,000, और आपको 8 साल के बाद 10,000 रुपए देने का भी जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से दूसरी स्लैब 10 साल की है, अगर आप 10,000 रुपए की SIP 10 साल के लिए लेते हैं तो आपका 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, जो 10 साल बाद मार्केट वैल्यू 23 लाख रुपए हो जाता है। यहां से जो आपको कमिटमेंट है वो 1.5 गुने का है, 1.5x का, 15,000 रुपए आपको मंथली लाइफ लॉन्ग मिलते रहेंगे और आपका ये पैसा 10 साल बाद जो 23 लाख रुपए था 25 साल बाद ये पैसा बढ़ के हो जाएगा आपका 26,19,000 रुपए। इसी तरीके से 12 साल का जो पीरियड है, 12 साल में अगर आप 10,000 रुपए की SIP लगाते हैं, 12 साल में आप 14,40,000 रुपए जमा करेंगे और यहां से जो आपको कमिटमेंट है वो 2x का है। 12 साल SIP चलाने के बाद अगर आप इसमें रहते हैं तो फिर आपको 2x यानी के 20,000 रुपए महीना हर महीने आपको मिलेगा। इसमें आपको 10 साल वाले ऑप्शन में 1.5x था यानी के 15,000 रुपए मिलेगा और 12 साल वाले ऑप्शन में 2x मिलेगा यानी के 20,000 रुपए। 20,000 रुपए मंथली आपको देने के बावजूद आपके पैसे की वैल्यू 25 साल बाद होगी 43,99,000 यानी के लगभग 44 लाख रुपए। और सबसे लास्ट ऑप्शन जो सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑप्शन है दैट इज 15 ईयर ऑप्शन। इसमें आप अगर 10,000 की SIP 15 साल के लिए लेते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 18 लाख रुपए का होगा और आप यहां से आपके पैसे की वैल्यू उस समय होगी 18 लाख रुपए की, लगभग 50 लाख रुपए। 3 टाइम आपको विड्रॉल है यानी कि 30,000 रुपीज मंथली का आप विड्रॉल लेंगे और उसके बावजूद आपके जो पैसे की वैल्यू है 25 साल बाद 81,39,000 रुपए होगी। ये समरी है SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। इसी को और आसानी से समझने के लिए मैंने एक्सेल पे एक वर्किंग करी है, एक चार्ट के थ्रू प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूं। ये देखिए अगर मैं 10,000 रुपए की SIP लेता हूं और 12% इंटरेस्ट मुझे मिलता है तो हर SIP पे मैं क्या अर्न कर रहा हूं और इसकी वैल्यू किस तरह से बढ़ेगी। देखिए पहले महीने मुझे 100 रुपए की कमाई आती है,
10,100 रुपये मेरा ग्रॉस अमाउंट हो जाता है। अभी इसमें से कुछ निकल नहीं रहा, यही वैल्यू है। अगले महीने फिर मैंने 10,000 रुपये जमा किया, अब जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा वो 10,100 और 10,000 दोनों पे मिलकर 201 रुपये बनेगा, ग्रॉस वैल्यू 20,301 हो जाएगी। अभी कुछ निकला नहीं ये वैल्यू। इसी तरीके से ये SIP मेरी काम करेगी और देखिए इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ता जाएगा। जहाँ स्टार्टिंग में 100, 200, 300 है, ये बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है और 68 महीने की SIP चलने के बाद आपका जो सॉरी 70 महीने की SIP चलने के बाद आपका जो 10,000 रुपये प्रिंसिपल जमा होता है, वहीं आप 10,000 रुपये इंटरेस्ट भी कमा रहे होंगे, यानी कि मंथली जो ग्रोथ हो रही होगी वो आपकी 20,000 रुपये की हो रही होगी। और ये इंटरेस्ट इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमने 15 साल वाले ऑप्शन की बात करी थी, तो जब 15 साल पूरे होंगे हमारे 10,000 रुपये देते देते, तो 12% के रेट से हमारा पैसा देखिए कहाँ पहुंच चुका होगा। जब हम 15 साल पे लास्ट SIP देंगे तो 10,000 रुपये की SIP देने के बाद उस महीने हमने 49,958 रुपये ब्याज कमाया होगा और हमारी टोटल ग्रॉस वैल्यू हो चुकी होगी पैसे की 50 लाख रुपये। 50 लाख रुपये हमारे पैसे की वैल्यू हो चुकी होगी और यहां से हमारी 30,000 रुपये का SWP शुरू होगा और जमा होना बंद हो जाएगा। ये देखिए जहां हम 10,000 रुपये जमा कर रहे थे ये बंद हो गया और जहां हम अभी निकाल कुछ नहीं रहे थे यहां से निकलना शुरू हो गया 30,000 रुपये। लेकिन इसके बाद भी हमारी जो ग्रॉस वैल्यू थी वो स्टार्ट 50,04,000 रुपये की थी लास्ट SIP देने के बाद। कहीं भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि 30,000 रुपये निकलने के बाद आपका पैसा घट रहा है, पैसा तब भी कंटिन्यू बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते ये पैसा, मैंने इसमें आपकी 30 साल की वर्किंग करी है, यानी कि 360 महीने पूरे होने पे ये पैसा आपका पहुंच चुका होगा 1,52,65,972 रुपये। पैसा देना हम बंद कर चुके हैं 15 साल के बाद, लेकिन उसके बावजूद जो उस समय 50 लाख रुपये था अभी वो 1,52,00,000 रुपये हो चुका होगा और 30,000 रुपये महीना हम विड्रॉल भी कर रहे हैं उसके बाद भी। अगर यहां पर हम देखें तो हमने टोटल विड्रॉल कितना किया है, पंद्रह साल में हमने 18 लाख रुपये जमा किए, अगले 15 साल में हमने 54 लाख रुपये निकाल लिए। 18 लाख रुपये जमा किए, 54 लाख रुपये निकाल लिए, उसके बाद भी पैसे की वैल्यू है 1,52,65,972 रुपये। तो ये है SWP SIP की कॉम्बिनेशन का मैजिक जो मित्रा SIP के नाम से हमको SBI म्यूचुअल फंड ने ऑफर किया है। देखिए पूरा जो समझाया है, मित्रा SIP पोटेंशियल वेल्थ क्रिएशन थ्रू SIP एंड SWP। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में SIP की मोड में अपना पैसा दे रहे हैं और उसके बाद SWP की मोड में आप अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको पूरी वर्किंग बताई, ये जो फ्लो चार्ट इन्होंने दिया है 10,000 रुपये 10,000 रुपये 10,000 रुपये अलग अलग कॉम्बिनेशन 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल। 10,000 रुपये अगर आप 8 साल के लिए जमा करेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग 10,000 रुपये देंगे। 10,000 रुपये अगर आप 10 साल के लिए जमा करेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग 15,000 देंगे। 10,000 रुपये अगर आप 12 साल के लिए जमा करेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग 20,000 देंगे। 10,000 रुपये अगर आप 15 साल के लिए जमा करेंगे तो लाइफ लॉन्ग 30,000 रुपये देंगे। और उसके बावजूद आपका जो पैसे की वैल्यू है वो इस तरह से ग्रो करेगी। इन्होंने 25 साल का डेटा रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखा था, मैंने आपके सामने 30 साल का डेटा रिप्रेजेंटेशन रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मित्रा SIP क्या है, इसकी वर्किंग समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि इसका हम किस तरह से एडवांटेज ले सकते हैं। तो देखिए सपोज करिए आपका बच्चा अभी 5 साल का है, 15 साल के बाद 20 साल की एज में वो अपनी 12th कंप्लीट करके बाहर स्टडी के लिए जाता है। उस समय आपको उसकी स्टडी के साथ साथ हॉस्टल के खर्चे भी उठाने होंगे। तो उस समय जब वो बच्चा अपनी 12th कंप्लीट करेगा और अगर आपकी ये SIP कंप्लीट होगी तो आपको 30,000 रुपीज़ मंथली आना शुरू हुआ। यही पैसे से आप अपने बच्चे का हॉस्टल फीस वगैरह निकाल सकते हैं। अपनी स्टडी पूरी होने के बाद आप मत जाइए SIP के साथ लाइफ लॉन्ग ऑप्शन में, आपको बिजनेस करना है या कुछ और करना है लाइफ में कैपिटल एक्सपेंडिचर की, उस समय आप अपने इस पैसे को निकाल सकते हैं। या आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप इसको ले सकते हैं कि यहाँ से आप जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल हो, 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल, जिस भी ऑप्शन के साथ जाना चाहें, रिटायरमेंट में आपको कितने फंडिंग की रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंगली आप इसको प्रोपोर्शनेटली ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये SIP 10,000 से ही शुरू होगी, आप इसको
5,000, 8,000, 2,000, 3,000, जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे, जिस भी तरह से आपकी नीड सेटिस्फाई हो, आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो ये था मित्रा एसआईटी का कॉन्सेप्ट। जाते जाते डिस्क्लेमर, ये जो भी कैलकुलेशन है ये एस्टिमेट बेस पे की गई है, हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे की गई है, हिस्टोरिकल डेटा फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। जो भी इन्वेस्टमेंट करें आप अपना सोच समझ के करें। इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई एडवाइस लेनी हो, कोई भी कंसल्टेंसी लेनी हो, तो आप मुझे मेरे नंबर स्क्रीन में नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।